नए वीडियो पे क्लिक किया है देखने के लिए क्लिक किया है कि मीली बग से कैसे छुटकारा पाएं। मीली बग जो है गार्डन में, आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, या सिंपल किसान हैं, जो भी आप लोग हैं, मीली बग से आप लोगों का एक ना एक बार तो पाला पड़ता ही है। और अगर हमारे गार्डन में एक बार घुस जाता है तो ये पूरे गार्डन को जो है तहस नहस कर देता है, क्योंकि गार्डन में हर फसल पे, हर सब्जी पे और हर फूल फल के पेड़ पे जो है पौधे पे लग जाता है। तो इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं इस वीडियो में देखिएगा, और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग हमें गार्डनिंग में करना ही नहीं है। कीटनाशक का प्रयोग करना होता तो अपने घर पे गार्डनिंग क्यों करते, कीटनाशक से बचाव के लिए ही हम जो है टेरेस गार्डनिंग वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, कीटनाशक वगैरह और जो है उर्वरक वगैरह, इनसे सेफ फार्मिंग करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको फार्मिंग टिप्स मिलेंगी और टेरेस गार्डनिंग टिप्स मिलेगी, जिससे जो है आप दवाइयों गोलियों से बचकर जो है फार्मिंग कर सकते हैं बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन मीली बग से हमें कैसे छुटकारा पाना है, वो भी सिंपल घरेलू और 10 से 20 रुपए के खर्चे मात्र में जो है आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मीली बग से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, दो क्या, एक ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी। घर में आपको जो है वॉशिंग पाउडर मिल जाता है, जिसे बोलते हैं हम सर्फ। तो सर्फ से जो है आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसका विकल्प अगर आपको चाहिए तो ये एक चींचड़ी मारने की दवाई है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास डीजल है, तो आप डीजल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, सर्फ का जो पानी, सर्फ है, सर्फ को पानी में घोल लेना है। घोलने के बाद आपको उसका घोल बना लेना है सर्फ के पानी का, और आपको जो है अच्छे से अपना स्प्रे, जो आपको ये 10 से लेकर 15 रुपए के बीच में ये स्प्रेयर मिल जाएगा, जिसे आप किसी भी पेप्सी की बोतल के ऊपर फिट कर सकते हैं। तो इससे आपको अपनी जो है जिस भी पौधे पर मीली बग के जो अंडे वगैरह दिए हुए हैं, जो भी मतलब कि जो भी प्रकोप जहाँ पर मीली बग का हो रहा है, उसके ऊपर आपको स्प्रे मार देनी है। और उसके बाद आपको मैन्युअली जहाँ भी कहीं मीली बग चलती हुई अपने गार्डन दिखाई देती है, तो आप ये चींचड़ी मारने की दवाई जो आपको आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, वरना ये हमारे डीजल है, ये आप किसी भी पेट्रोल पंप से ले सकते हो, ये आपको डायरेक्ट सीधी ही जो है मीली बग के ऊपर इस तरह से मार देनी है। ये देखिए, इस तरह से ये तुरंत ही जो है मरनी शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को मैं अपने पौधे पर भी ले जाकर दिखाता हूँ इसको, कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, मेरा जो है अमरूद के वृक्ष पर जो है इसने पूरा प्रकोप लगा रखा है, तो मैं इसको स्प्रे मार दूंगा। और जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देती है मैन्युअली, इस पर आपको स्प्रे मार देना है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण जो उपाय मैंने आप लोगों को बताया है, जहाँ पर भी पौधा होगा उस ही पौधे में मीली बग आपको जब मिलेगी, क्योंकि आपके जिस भी स्थान पर पहुँच जाती है उस स्थान के सारे जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, सब पर इसका प्रकोप जो है हो जाता है। तो दोस्तों, सर्फ का स्प्रे मारना मत भूलना, सर्फ के स्प्रे से पहले धोना है, और उसके बाद आपको ये चींचड़ी की जो दवाई है उसको इनके ऊपर मार देना है। वैसे तो सर्फ के स्प्रे से ही मर जाएंगे, वरना आपको चींचड़ी का स्प्रे या डीजल जो है इनके ऊपर मैन्युअली एक एक करके मार देना है। दोस्तों, देखिए मेरे जामुन के पेड़ पर कितना जो है मोल आ रहा है, अब इनका फूल बनेगा और उसके बाद जो है फल बन जाएगा। लेकिन जो है एक दुश्मन भी यहाँ पर हमारे गार्डन में जो है एंटर कर चुका है। ये देखिए, हर जगह जो है इसका प्रकोप है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर भी देखिए, हर पत्ती पर जो है इसने, हर जगह इसने अपना डेरा जो लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पर। तो आपको सर्फ के पानी का घोल मार देना है, और सर्फ के पानी के घोल के बाद आपको जहाँ कहीं में मीली बग चलती हुई दिखाई देती है, उस पर आपको ये वाला स्प्रे मार देना है जो है डीजल का, वरना जो है आपका चींचड़ी मारने वाली दवाई जो मिलती है, आप मेडिकल स्टोर में बोलना जाए पशु की चींचड़ी होती है, उसको मारने की दवाई जो है आप दे दीजिए, 10 से लेकर 20 रुपये के बीच में आपको ये भी मिल जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।